इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उन्हें सिक्स फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम गिवन है अब ये जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है ये बेसिकली नाइनटीन वन ए बी सी डी ई एफ इस फॉर्म में इस ऑर्डर में दिया हुआ है तो इसके पहले हम नाम देख लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे इसे याद कैसे करना है तो नाइनटीन वन ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नाइनटीन वन बी में फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स फिर सी में है फ्रीडम टू फॉर्म असोसिएशन एंड यूनियंस फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस अब याद करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे एक एक वर्ड निकालेंगे फर्स्ट वाले से नाइनटीन वन ए से हम स्पीच देन बी से असेंबल सी से असोसिएशन्स डी से मूव ई e से रिसाइड एंड एफ से प्रोफेशन ठीक है स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबल एसोसिएशन मूव रिसाइड इन प्रोफेशन सबसे पहले आर्टिकल नाइनटीन एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन दो ऐसे आर्टिकल है जो सारे एस्पेरेंट को लगभग लगभग याद रहते हैं और हमें पता होता है कि आर्टिकल नाइनटीन फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन सिटीजनस को अवेलेबल है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल नाइनटीन ये तो सबको याद रहता है तो स्पीच का एस पी ले लेते हैं एस से पहले हम स्पीच सबसे पहले रहेगा और स्पीच का जो पी है वो सबसे आखिरी में रहेगा ठीक है तो स्पीच से एस पी लेंगे एस से स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहले बन जाएगा एंड पी से प्रोफेशन बाद में बन जाएगा उसके बाद जो बचे हुए चार हैं असेंबल एसोसिएशन मूव एंड रिसाइड असेंबल एसोसिएशन मूव एंड रिसाइड ये जो चारों है ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है ठीक है तो आप अगर ये सिर्फ छः वर्ड्स याद रखते हैं स्पीच असेंबली एसोसिएशन मूव एंड रिसाइड एंड प्रोफेशन इन इन छः वर्ड में से जो पहला वर्ड स्पीच स्पीच का एस पी निकाल लीजिए एस से स्पीच बनेगा पी से प्रोफेशन बना लीजिए उसके बाद जो बचे हुए वर्ड्स है असेंबल एसोसिएशन मूव एंड रिसाइड ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है बस आपको इतना ध्यान रखना है एंड ये करने के बाद में अगर आपको ये छह वर्ड्स याद हैं तो वहां पे अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो कुछ भी फंडामेंटल राइट नाइनटीन से कोई भी आर्टिकल अगर आपको आर्टिकल स्पेसिफिकली आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर ये मैं आपको गारंटी देती हूँ